दोस्तों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फोन्स ऑफ 2024। और क्यों एक्साइटिंग बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि जब इसकी प्राइस आई हमें लगा कि यार इस प्राइस पे ही आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 12R की, OnePlus 12 का छोटा भाई। एंड एक बात मैं इधर कहना चाहता हूँ अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले, कि ये अनबॉक्सिंग एक्चुअली फेब 5th को जानी थी, लास्ट मोमेंट पे आज ही के दिन जब ये लॉन्च हो रहा है तब उन्होंने कहा कि नहीं 8:30 बजे एम्बार्गो लिफ्ट है। लेकिन एम्बार्गो में भी ऐसा है कि आप रिव्यू या वर्डिक्ट नहीं दे सकते हो, बाकी सब चीजें आप बता सकते हो। ये जो चीज करता है ना ब्रांड, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फोन मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। उसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज नॉट अ रिव्यू, इसका डिटेल्ड रिव्यू, कैमरा कंपैरिजन सब आने वाला है। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारे लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। अच्छे नहीं लगते क्या हमारे वीडियो? अच्छे लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, केस एंड देन जी हाँ स्टिकर्स, रेड केबल क्लब लेटर, वेलकम लेटर, ये सब चीजें हैं। सिम कार्ड टूल है, लवली ब्लू कलर की केस है, वैसे कलर कोऑर्डिनेटेड केस है दोस्तों, क्योंकि फोन भी ब्लू है, इसमें ग्रे कलर भी आता है। और क्या है बॉक्स के अंदर वो देखते हैं दोस्तों। ओ बड़ा सा चार्जर है दोस्तों, 100 वॉट का चार्जर आता है। ये फोन जो है ना अभी तक का OnePlus का सबसे बड़े बैटरी वाला फोन है, 5500 mAh की बैटरी आती है। एंड देन बॉक्स के अंदर ये USB टाइप A टू टाइप C केबल आती है। दैट्स अबाउट इट, लेट्स क्विकली कीप दिस असाइड, चलिए फोन के पास देखते हैं। वो शाइनी शाइनी शाइनी, बहुत ही शाइनी है दोस्तों। बट आई टेल यू व्हाट, डेफिनेटली फिंगरप्रिंट मैग्नेट होने वाला है। ये देखिए, लुक एट दिस, पूरे नए फोन के ऊपर इमीडिएटली विद इन लेस देन 10 seconds ये हो गए। बट आई टेल यू व्हाट, ग्लास बैक है, ऐसे देखोगे विदाउट एनी स्मजेस तो बहुत अच्छा दिखेगा, प्रीमियम दिखता है। एंड देन अगेन वो फेमिलियर जो आजकल OnePlus का कैमरा मॉड्यूल है वो आता है, कर्व्ड ग्लास है फ्रंट एंड बैक दोनों ही, वैसे ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है, फ्रेम जो है वो भी मेटल आती है क्योंकि इंटरनल लाइंस क्लियरली दिख रहे हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है, स्क्रैच गार्ड है निकाल देते हैं उसे, अरे बहुत ही खराब क्वालिटी का स्क्रैच गार्ड है। ऑलराइट, दैट्स द फोन, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, इसीलिए गिराते तो जरूर है। 1 2 एंड नहीं, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं आता है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। इनफैक्ट अभी कभी कभी ऐसे लगता है कोई ना कोई फोन टूटना चाहिए, सीरियसली ऐसे लगता है। बट नहीं दोस्तों, ये तो नहीं फूटा, इन हैंड फील बहुत अच्छा है, थोड़ा स्लिपरी जरूर है, केस डालिएगा जरूर, बट नॉट वेरी बिग नॉट वेरी स्मॉल, वैसे बड़ा डिस्प्ले आता है, बड़ी बैटरी भी आती है। उस हिसाब से अगर मैं वेट के बारे में बात करूं कि इट्स नॉट टू मच, 5500 mAh की बैटरी है, बड़ा डिस्प्ले है, तो मेरे हिसाब से 210 grams होना चाहिए। लेट्स सी, यस वेरी नियर, 208 grams है, सो 210 grams के बहुत ही करीब है, सो स्लाइटली हैवियर मैं जरूर कहूंगा। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ नहीं देखा है, नीचे सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके ऊपर दोस्तों आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, ऊपर भी बिजी है, आईआर ब्लास्टर आता है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, एंड देन यू ऑल्सो हैव स्पीकर ग्रिल, नाइस, एंड देन That beautiful alert slider button, very nice. और इसका जो सिम कार्ड है, मुझे नहीं लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अ डेडिकेटेड एसडी कार्ड तो नहीं होने वाला है, बट क्विकली आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, इट डज नॉट हैव अ एसडी कार्ड स्लॉट, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। चलिए बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं क्विकली। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, बड़ा डिस्प्ले आता है, कर्व डिस्प्ले आता है, 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPO डिस्प्ले है, 1Hz to 120Hz एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है, 4500 nits ब्राइटनेस आता है इसके अंदर, HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है बहुत ही जबरदस्त, साइड के जो बेजल्स है दोस्तों नियरली इनविजिबल है, देखिए दिखते नहीं है, एंड चिन और ऊपर का बेजल बहुत ही पतला है। इमेजिन 4500 nits ब्राइटनेस, इट इज अ वेरी 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 ब्राइट डिस्प्ले, 30% पे भी देखिए कितना ब्राइट लग रहा है दोस्तों। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है 2023 का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर था, Qualcomm Snapdragon 8th Gen 2। इसमें दो वेरियंट आते हैं, बेस वेरियंट 8GB RAM 128GB स्टोरेज, एंड नेक्स्ट वेरियंट 12 का नहीं है, 16 का है, 16GB RAM एंड 256GB स्टोरेज, सो दैट इज नाइस। 5500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्ज चार्जिंग है, 0 to 100% इन 26 minutes, आई मीन व्हाट डू यू वांट, फास्ट चार्जिंग है, फास्ट रैम टाइप है, स्टोरेज टाइप है, एक्सीलेंट प्रोसेसर है,
What do you want? अगर अंतुदु स्कोर के बारे में बात करूं, 1.53 मिलियन अंतुदु स्कोर आता है। गेमिंग के बारे में बात करूं, हाईएस्ट सेटिंग पे आप खेल पाओगे। सीओडी मोबाइल तो 120 एफपीएस पे खेल पाओगे। पबजी, न्यू स्टेट, बीजीएमआई वगैरह 90 एफपीएस पे आप खेल पाओगे। एंड 8 Gen 2 दोस्तों, आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट। डिटेल रिव्यू आ रहा है, उसके लिए जरूर रुकिएगा। सब्सक्राइब एंड दैट बेल आइकन, डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज बहुत ही डिटेल में रिव्यू इसका करने वाले हैं। चलिए ओएस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके ऊपर ऑक्सीजन ओएस 14 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। और दोस्तों 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो आपको एंड्रॉइड 17 तक मिलने वाला है इसके ऊपर, या जो भी नए फीचर्स आने वाले वो मिलेंगे। और याद रखिए, अपडेट्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि आने वाले सालों में एआई के फीचर्स ऐड होने वाले हैं, एंड यू कैन गेट दैट ओनली थ्रू ओटी अपडेट्स। सो अपडेट्स के पास ध्यान दीजिएगा, और ये जबरदस्त है उसके मामले में। वैसे दोस्तों, ऑक्सीजन ओएस क्लीन यूआई वगैरह है, नो प्रॉब्लम्स है, बहुत ही फ्लूइड है, यू नो दैट। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, वाईफाई 7 का सपोर्ट आता है, जो आपका इसका बड़ा भाई है OnePlus 12, उसमें जो है वही इसमें भी आता है। ब्लूटूथ 5.3 है, एनएफसी है, आयर ब्लास्टर भी आता है, दोनों सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस पैक कर दिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सेंसर्स के बारे में बात करूं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, ऑल सेंसर्स आर देयर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों, एंड डॉल्बी विजन है इसके अंदर, तो एंड एचडीआर 10 प्लस तो है। यूट्यूब पे एचडीआर कंटेंट आप देख पाओगे, नेटफ्लिक्स पे अभी भी सपोर्ट नहीं है, शायद अपडेट के थ्रू आ जाएगा, बट हाँ, एचडीआर 10 प्लस है, डॉल्बी विजन भी है। सो दैट इज देयर मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है, बिकॉज ऑफ ग्रेट डिस्प्ले एंड साउंड इज ऑल्सो एक्सलेंट। डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड, आपको ऑडियो भी मिलता है। कैमरा के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, लेकिन उसके पहले क्विकली लेट्स टॉक अबाउट ऑल द अदर स्मॉल फीचर्स। IP64 का सर्टिफिकेशन आता है, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। अगर मैं USB टाइप के बारे में बात करूं, तो USB 2.0 ही आता है, सो दैट इज देयर। SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स है, एंड हाँ, नोटिफिकेशन लाइट वगैरह वो सब नहीं है। कैमरा टू API वगैरह सपोर्ट करता है, सो वो सब है। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। जी हाँ, अब इसके बारे में बात करूं दोस्तों, तो जो पिछले साल का OnePlus 11R था, सेम जो सेटअप है वही सेटअप आता है। जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, 50 MP का सोनी का IMX890 सेंसर आता है। जो सेकेंडरी सेंसर है दोस्तों, वो 8 MP का है, अल्ट्रा वाइड IMX355, वो भी सोनी का सेंसर है। एंड देन 2 MP का फाइनली मैक्रो सेंसर आता है। आगे आपको 16 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। एंड ओवरऑल अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं, तो मैं बात नहीं कर सकता हूं बिकॉज ऑफ एम्बार्गो। ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज जो निकाले हुए, उसकी लिंक मैं दे रहा हूं। यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फोटोज एंड वीडियोस। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, तो 4K 60fps प्राइमरी सेंसर से निकाल पाओगे, एंड जो अल्ट्रा वाइड है उससे भी आप 4K 30fps शूट कर पाओगे। आगे आपको 1080p मिलता है। वैसे बताना भूल गया दोस्तों, प्राइमरी सेंसर में OIS भी आता है। प्राइस जो है बेस वेरिएंट की 40,000 के नीचे आने वाली है, 39,999 फॉर 8128। बट एक बात कहूं, जो ऊपर वाला वेरिएंट है, दैट इज 45,46, 5,000 का डिफरेंस है दोस्तों। उसमें आपको दो तीन चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8GB रैम एक्स्ट्रा मिलती है, एंड 128GB एक्स्ट्रा मिलता है, बिकॉज दैट इज 16 एंड 256GB वेरिएंट। उसमें UFS 4.0 है, तो रीड एंड राइट स्पीड्स, जो ऐप ओपनिंग टाइम्स वगैरह होंगे, वो और भी अच्छे होने वाले हैं। सो अगर आपको खरीदना है दोस्तों फॉर 45,000-46,000, डेफिनेटली लुक एट 16 256 वेरिएंट। मुझे ओवरऑल OnePlus 11R के बारे में क्या लगता है, एम्बार्गो है, नहीं बता सकता हूं, वेट फॉर दैट। या दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से अबाउट OnePlus 11R। जो मुझे कहना था वो बता दिया। कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।